नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य, आप देख रहे हैं OTT क्रेजी। हमारे साथ मौजूद है हम सभी के चहीते नितिन भाई, जो कि अक्षय कुमार के बड़े फैन हैं और भोला फिल्म के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड है। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, उनका रिएक्शन क्या है। नितिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है OTT क्रेजीज पर। थैंक यू नितिन भाई, आप बहुत ही बड़े फिल्मों के शौकीन हैं। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दफ़ा फिल्में देखते हैं, कई बार पाँच पाँच दफ़ा देखते हैं। तो भोला राउंड द कॉर्नर है, भोला का प्रमोशन दो तीन महीने से शुरू है, भोला फिल्म की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो ऐसा बोलूँ कि सबका रिकॉर्ड तोड़िए। अच्छा, हाँ, मूवी बहुत अच्छी है, आप भी देखने के लिए जाओ। एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, बहुत मज़ा आएगा देखने में। ये रीमेक नहीं है, आप देखने जाओगे ना थिएटर में सब कुछ भूल जाओगे, पूरा मज़ा आएगा। मैं भी जा रहा हूँ और आप भी जाओ। एडवांस बुकिंग चालू हो गई है। 2D और 3D में एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, तो आप 2D में देखना सोचेंगे कि 3D में? मैं तो 3D में ही सोच रहा हूँ, मैं क्योंकि 3D रहता ना, तानाजी भी मैंने 3D में ही देखा था मैं। अच्छा, हाँ, और स्ट्रीट डांसर 3 अभी मैं 3D रहता तो मैं 3D देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का पूरा मन बना चुकी है? जरूर, हाँ, पक्का आपने को देखने ही है। लगता है काम का खड़ा मार के पिक्चर देखने वाले पड़े है ना, कुछ भी करना है लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट तो देखना ही है। वाह, बड़ी बात है। कुछ दिन बाकी है नितिन भाई, 4 से 5 दिन मुश्किल से बाकी है। कितने नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या फीलिंग है जितने उनके लिए, इस पिक्चर के लिए? नहीं, मेरे को तो नर्वस ही है ही नहीं, क्योंकि मैं ट्रेलर सॉन्ग जब भी सुना ना, तभी मेरे को लग रहा कि ये मूवी चले गई है। लोग क्या बोलेगा, वो कुछ भी करे उससे अपने को कोई मतलब नहीं। ट्रेलर देख मेरे को लगता है जो इसका जो ट्रोल कर रहे हैं ना, मतलब गलत जो बोल रहे हैं, इसका ये रीमेक है, मजा नहीं आएगा, ये है वो है, मतलब कुछ भी बोले, वो भी मेरे को लगता है वो भी देखने के लिए जाएंगे। वो जो भी देखने जाएंगे, हाँ, क्योंकि वो है नहीं, मूवी ऐसी है, मतलब बहुत मूवी का ऐसा होता है कि जिसको इसका कंट्रोवर्सी, मतलब इसका विरोध करता, मतलब इसमें ये है, इसका सॉन्ग ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, वो भी खुद देखने के लिए जाते हैं। तो इस ये मूवी में वैसा ही होएगा वो, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि साउथ का रीमेक है वो, लेकिन इसका जो एक्टिंग, इसमें जो दिखाया गया ना, इसका डायलॉग एक भी वो बहुत अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाया गया उसका। अच्छा अच्छा, नितिन भाई ये मुझे बताइए, 3D का शो ज़्यादातर महंगा होता है, 200-250-300 रुपये टिकट रहेगा, तो क्या फिर भी आप देखने की सोचेंगे पूरा? जरूर। अच्छा, मतलब आज दिन उनके लिए पैसा टेंशन नहीं, पैसा उसका टेंशन नहीं है। हाँ। ये एडवांस बुक काय के लिए खुलती, उसके लिए तो खुलती है वो। हाँ जी, बिल्कुल सही, उसके लिए खुलती है एडवांस बुकिंग। सही बात है। तो अक्षय कुमार के भी फैन है आप, अजय देवगन और अक्षय का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो अक्षय कुमार फैन के लिए क्या कहेंगे, क्या वो लोग को भी जाके देखना चाहिए इस फिल्म को? वो देखना तो चाहिए, बाद में वो अपना तो अपन तो फैन है, वो बड़े स्टार है, वो बोलेंगे तो और उसका प्रोपोलेटर और टिकट बढ़ेगी, अभी उनके फैन भी देखने के लिए जाएंगे। आपको तो पहले से ही मालूम है कि वो सिंघम ने, वो सब पहले से ही बड़े फैन है, वो सूर्यवंशी जी, सिम्बा जी, के मैं क्या बताऊँ, सबको फैन है ये तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई, उम्मीद करते हैं नितिन भाई का रिएक्शन भी मैं दूँ फटाफट, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एडवांस भी खुल चुकी है, और टिकट कभी बुक करें, आज कल कभी करें बुक? ये आज तो मैं बाहर गया था। अच्छा, सोच रहा हूँ कल या परसों करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई, धन्यवाद।